हेलो जी, नो बकवास टेक की बात। आज हम करने वाले हैं जियो भारत V2 4G फ़ोन की अनबॉक्सिंग और इसके रिव्यूज। तो ये फ़ोन मोटा भाई ने बहुत प्यार से बनाया है, जो कि एक बजट फ़ोन होने वाला है। और इसके फीचर्स की बात करते हैं हम, तो इसमें हमें मिल जाती है HD कॉलिंग, वायरलेस FM और 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, 23 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, 4.5 सेंटीमीटर का इसका स्क्रीन होने वाला है, 1000 mAh की इसकी बैटरी होने वाली है, 0.3 MP का इसका कैमरा होने वाला है। बात करें इसकी प्राइस की, तो बॉक्स पर 2000 रुपये छपा है, बट हमें ये 1000 रुपये मिला है, मतलब छपा हुआ है 1999 रुपीज़, और हमें ये मिला है 999 रुपीज़ में। और इसमें से हमें मिलता है हैंडसेट जिसमें कैमरा लगा है और एक ऐसे ही नॉर्मल सा वाइट सा, पता नहीं मुझे क्यों बना हुआ है, एक टॉर्च है जो कि काफ़ी बड़ी है, और इसके पीछे ये माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है, और हाँ, हेडफोन जैक, और ये स्पीकर माइक। और ये पुराने फ़ोनों जैसे खुल जाता है, इसकी बैटरी हम निकाल सकते हैं, इसमें लगती है एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं हम, जो कि ये फ़ोन की बैटरी निकलती है, तो इसमें अगर चार्जर ख़राब होता है या जो भी प्रॉब्लम होती है, तो हम इसे खोल के घर पे ही सुधार सकते हैं। इसी के साथ हमें बॉक्स में देखने के लिए मिलता है एक माइक्रो USB 5 वोल्ट का चार्जर, जो कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक सफिशियंट चार्जर है और अच्छा है, खासे टाइम में चार्ज कर देता है। उसके साथ हमें मिलता है यूज़र मैनुअल जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो उसको हम साइड में करते हैं। और हम बात करते हैं मोबाइल के सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें हमें मिल जाएंगे कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, जियो सिनेमा, जियो सावन टूल्स, और जियो चैट, जियो TV, मल्टीमीडिया, जियो पे, फाइल्स, नोट्स, इंटरनेट, सेटिंग्स, क्लॉक और कैमरा। तो इसका कैमरा तो 0.3 MP का है, जो कि ऑब्वियसली सब जानते हैं कैसा होने वाला है, और मुझे नहीं लगता इसमें QR कोड वगैरह अपन स्कैन कर पाएंगे, क्योंकि 0.3 MP का कैमरा क्या ही स्कैन करेगा, ठीक है। और इसमें जियो सावन में ऑनलाइन गाने बजा सकते हैं, जिसमें सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो टॉप लिस्ट होती है वो हम प्ले कर सकते हैं इसमें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।